ग्लिसरीन तो आपने कभी ना कभी अपनी स्किन पर यूज किया ही होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, और सर्दियों के टाइम पर तो स्पेशली हर एक घर में ग्लिसरीन की एक छोटी सी डब्बी जरूर होती है, क्योंकि आने वाले सर्दियों के टाइम पे आपकी स्किन बहुत ज्यादा रूखी पड़ जाती है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि ग्लिसरीन बहुत चिपचिपी होती है, अगर हम इसको डायरेक्टली अपनी स्किन पर लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा हमारी स्किन को चिपचिपा बना देती है। इसीलिए दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगी कैसे आप सर्दियां आने से पहले ग्लिसरीन में कुछ चीज़ें मिक्स करके इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी त्वचा निखरे, गोरी हो, साफ हो, बेजान जो स्किन हो जाती है सर्दियों के टाइम पर, उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाए। और साथ ही साथ ग्लिसरीन को ऐसे यूज़ करने से सर्दियों में भी आपकी स्किन टाइट बनी रहेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच भर के ग्लिसरीन। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ग्लिसरीन का ये जो सॉल्यूशन मैं बना रही हूँ, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, और सर्दियों के टाइम पर ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है लेमन जूस यानी नींबू का रस। नींबू का रस जब हम ग्लिसरीन के साथ मिक्स करते हैं तो इसकी चिपचिपाहट कम हो जाती है, और इसका फ़ायदा स्किन के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें आधे नींबू का रस इसके अंदर ऐड कर देना है। नींबू हमारी स्किन के कालेपन को मिटाएगा। सर्दियों के टाइम पर जब मौसम बदलता है तो आपकी स्किन काली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप अभी से इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी स्किन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और त्वचा आपकी चमकदार और ब्यूटीफुल दिखेगी। उसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट आप इसके अंदर ऐड करें अर्के गुलाब यानी रोज़ वाटर, और यहाँ पर आपको फ्रेश और प्योर ही रोज़ वाटर इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो घर पर भी रोज़ वाटर आसानी से बना सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करें, और मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा कंटेनर था तो मैं इसके अंदर इसको स्टोर करने वाली हूँ। गाइस आप चाहे तो इसको किसी ग्लास कंटेनर के अंदर भी रख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से कंटेनर के अंदर डाल दें, और इस पानी के अंदर छोटे छोटे से कॉटन बॉल्स डालकर इसको अपने फ्रिज पे रखें। अब जब भी आपको इसे यूज़ करना हो तो एक कॉटन पैड को निकालकर अपनी स्किन पर ऐसे डैप डैप करके इसको लगा लें, और इसको अपनी स्किन के अंदर ऑब्जॉर्व कर लें। रात में ये काम करने से हमेशा आपकी स्किन टाइट, हेल्दी और ब्यूटीफुल होती है। तो इस तरीके से इस ग्लिसरीन के सॉल्यूशन को बनाकर सर्दियों से पहले ही रख लीजिए और इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो आपकी त्वचा में एक नई चमक आएगी और स्किन बहुत हेल्दी, हाइड्रेटेड और सॉफ्ट बनी रहेगी। वेल आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।